गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्लू जेल आईलाइनर कैसे बनाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूं एक आई शेडो। ये मैंने DIY बनाया था आई शेडो, इसकी वीडियो बनाई है मैंने, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। ये देखिए मैंने ये खुद बनाया था और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था, तो इस वजह से मैं इसमें यही ऐड कर रही हूँ। एक आई शेडो आप क्रश कर लीजिए और उसको एक कंटेनर में भर लीजिए। पहले तो हम इसको ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है और हमारी आइज के लिए भी अच्छा है। इस वजह से मैंने एक टीस्पून इसमें एलोवेरा जेल का ऐड किया है। एंड अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऑयल। ये देखिए ये विटामिन ई इवियन का है, तो एक कैप्सूल मैं इसमें विटामिन ई ऑयल ले लेती हूँ। ये देखिए इसको मैं एक कैप्सूल डाल देती हूँ इसमें। विटामिन ई हमारी आँखों के लिए भी अच्छा है और हमारी आइज़ को कोई नुकसान भी नहीं देगा और हमारी आईलैशेस को भी ये बढ़ा देगा। तो ये देखिए अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये मिक्स हो रहा है और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इतना बढ़ाया है, आप ज़रूरी नहीं है इतना ही बनाएं। अब देखिए फ्रेंड्स इसका कलर अच्छा आया है और ये बनकर तैयार है। अब एक ब्रश ले लीजिए आप और उससे इसको अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लीजिए। मैं इसको हैंड पर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया है। ये देखिए इसका कलर कुछ इस तरह का दिखेगा और आपकी आईज़ ऐसे ही सुंदर सी प्यारी सी दिखने लगेगी। आप आई शेडो लगा लीजिए पहले ब्लैक कलर का, फिर उसके नीचे ब्लू कलर का आईलाइनर, तो आपकी आईज़ बहुत ही प्यारी लगेंगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।